नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी महिला अफसर ने मचाया तांडव, टिफिन फेक स्टाफ को मारा, जमकर की तोड़फोड़। भिलाई इस्पात संयंत्र में इन दिनों एक महिला अफसर की चर्चा जोरों पर है। वहीं अब महिला अफसर पर संयंत्र प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। दरअसल महिला अफसर ने अपने दफ्तर में जमकर तांडव मचाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में तांडव मचाने वाली इस महिला अफसर का नाम प्रियंका होरा है, जो एजीएम सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है, लेकिन इसकी दहशत पूरे अधिकारियों के बीच थी। महिला अफसर ने 23 नवंबर को अपने कार्यालय में ही महिला ट्रेनी कर्मचारी के सिर पर टिफिन से वार कर दिया, जिस महिला कर्मचारी को चोट भी आई और उसे संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट में ले जाया गया। इसके अलावा एजीएम प्रियंका होरा ने अपने दफ्तर के कंप्यूटर और प्रिंटर भी तोड़ दिए और कई दस्तावेजों पर पानी फेंक दिया। यहां तक सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ने की कोशिश की और सीआईएसएफ के जवानों से भी बदतमीजी की थी। ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद महिला अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद पूरे भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतने समय तक इस महिला अफसर की धौंस संयंत्र प्रबंधन क्यों बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि इससे पहले भी महिला अफसर ने कई अधीनस्थ कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया था। महिला अफसर बिना वरिष्ठ अधिकारियों के डर के कर्मचारियों से बदतमीजी करते नजर आती थी, जिसे लेकर आए दिन वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जाती थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब इस घटना के बाद महिला अफसर पर कार्रवाई की गई है।